एवरीवन, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर 2022 एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर सेट दिया हुआ है ए। एनीवे पेपर कोड यहाँ पे दिया हुआ है और टाइम अलॉटेड यहाँ पे 3 आवर्स का है। 170 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो ऑब्वियसली ये कम से कम 2 पार्ट में क्वेश्चन पेपर हमें बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम बेहद शॉर्ट आंसर रखेंगे, कहीं पे भी कोशिश होगी कि एक्सप्लेनेशन ना करना पड़े, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन डिटेल्ड वीडियो के लिए आपको दूसरा वीडियो देखना होगा जो कि कल या 1-2 दिन बाद अपलोड होगा। ओके एनीवे, चलिए देखते हैं इसके आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन कहता है कोवैक्सीन इंडियाज इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन जो कि भारत बायोटेक ने बनाई थी वो किस टाइप की वैक्सीन है। तो ये किल्ड वायरस वैक्सीन, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 2, कोविड-19 वॉज डिक्लेयर्ड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बाई WHO ऑन 30 जनवरी 2020। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू WHO द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन कम्युनिटीज विद ए हाई इंसिडेंस इज बाई क्योरिंग इट। द बेस्ट क्योरेटिव मेथड फॉर TB इज नोन एज डॉट्स। डॉट्स स्टैंड फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ कहता है कि एंजेलिना जोली ने जो अपनी सर्जरी कराई थी वो किस लिए कराई थी। किसी फॉल्टी जीन्स की वजह से कराई थी जो उनके जीनोम में थी। तो वो फॉल्टी जीन कौन सी है। तो वो है BRCA1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है कि सार्स का आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले कब हुआ था। तो ये हुआ था February 2003। लेकिन यहाँ पर 2003 कहीं दिया नहीं है, देखते हैं जामिया इसका क्या करता। बट मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है यहाँ फरवरी लगता है, यहाँ मिस प्रिंटेड हो गई है, 2013 हो गई है 2003 के बदले। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 6, द कॉजेटिव ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज प्लेग इज। तो पास्ट्यूरेला पेस्टिस, यही प्लेग का बैक्टीरिया होता है। अब इसका नया नाम क्या है आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेड शोज बैक्टीरिया डिजीज ओनली। देखिए इनमें से कौन कौन सी बैक्टीरिया डिजीज हैं। प्लेग है, लेप्रोसी है, डिप्थीरिया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर एलिमिनेट करना चाहते हो तो देखिए कुछ ढंग से होगा। यहाँ पे आप जानते हो मलेरिया प्लाज्मोडियम का है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए मेजल्स वायरल है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। चौथा देखिए मम्स वायरल है, ये भी नहीं हो सकता। एट्थ कहता है सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलाई रिलीजेस, क्या रिलीज करता है। तो ये रिलीज करता है आपका एपी नेफ्रीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इस फाइलेरिया से इन इंडिया इज ट्रांसमिटेड बाय, तो ये ट्रांसमिट करता है क्यूलेक्स फेटिजेंस इन इंडिया, इंडिया की बात हो रही है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 10, क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया सर्व एज साइट फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन। ऑप्शन ए करेक्ट है। आईलेट ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन कहाँ पे, तो ये पेंक्रियाज में पाए जाते हैं और यही इंसुलिन इशू करते हैं, रिलीज करते हैं। उसके बाद लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन हैविंग नो RBC विद लेस WBC। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ए 13, द वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं हम, तो मनाते हैं 4 फरवरी एवरी ईयर, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए इसका लैंडमार्क व्यू द की ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज दैट ईच प्रोजेनी कैरेक्टर्स एक्वायर्ड बाय पेरेंटल जनरेशन आर इनहेरिटेड। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 15, इन ABO सिस्टम ब्लड ग्रुप ओ इज करेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ नो एब्सेंस ऑफ बोथ एंटीजन ए एंड बी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है। तो एप्पल ये कंपोजिट फ्रूट है। उसके बाद 17 पे चलते पीछे, तो फॉलोइंग इज लीस्ट इन्फेक्शियस, हेपेटाइटिस इज लीस्ट इन्फेक्शियस। उसके बाद चलते हैं 18 कहता है विच द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। तो आप जानते हो स्लीपिंग सिकनेस किससे फैलती है, सीसी फ्लाई से। ओके नेक्स्ट इज 19, इन सर्टेन एमिनो एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन एडिशन टू कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कौन सा, बहुत सारे एमिनो एसिड हैं जिनमें सल्फर भी होती है। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट 20 कहता है अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट विच वन इज एसेंशियल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेज इन नर्व फाइबर। तो इसमें सोडियम पोटेशियम का अहम रोल होता है और क्लोराइड का। तो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए सोडियम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 21, विटामिन विच इज वेरी लाइबल एंड इजिली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग गैस इज विटामिन सी, कुकिंग एज वेल एज। ओके सॉरी, 25 कहता है कंपाउंड यूज एंटी मलेरियल ड्रग्स, कौन सा कंपाउंड है। तो क्लोरोक्वीन सिनकोना से निकलता है। उसके बाद 23 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्किन डिजीज, पेलाग्रा इज स्किन डिजीज, विटामिन बी की कमी से होती है। उसके बाद 24, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज कॉड लिवर फिश। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, तो बायोप्सी होता है ये। उसके बाद
विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉनिक डिजीज कॉमनली नोन एज ब्लैक लंग, और ये डिजीज कहलाती है न्यूमोकोनियोसिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 27, कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ब्लैक फूट। आर्सेनिक अगर मिला होता है तो ब्लैक फूट डिजीज पैदा करता है। उसके बाद 28, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड, तो स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। उसके बाद 29 क्या था, ए काइंड ऑफ एन इंक्वायरी इंजरी सॉरी डैमेज विच रिजल्ट इन द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ ऑल द नियर बाई सेल इन ए टिश्यू, ये क्या कहलाता है, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद आप देखेंगे 30, हाइपोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो टर्म्ड एज हेल्थ एंग्जाइटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इम्यून सिस्टम कंप्राइजेज, क्या होता है भाई इम्यून सिस्टम में क्या क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे होता है आपका ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड सिस्टम्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, तो डिप्थीरिया तो आपको होता है बैक्टीरियल है, फाइलेरिया से आपका वॉफकीरिया से होता है तो वो भी आपका वायरल नहीं है, और लेप्रोसी बैक्टीरियल है तो इन्फ्लुएंजा ओनली वायरल है। डी आंसर हो जाएगा, सार्कोनिमा राइजेज फ्रॉम, सार्कोनिमा कैंसर होता है एक तरह का, क्यों होता है ये एपिथेलियल सेल्स में होता है फ्रॉम पूछा ना, तो ऑप्शन ए 33 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 34, मेलानोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट डेवलप फ्रॉम, कहाँ से डेवलप होता है ये, तो मेलानोसाइट से, इसके नाम से ही आप पहचानोगे मैच करोगे। उसके बाद स्टडी ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 36, द मेन रीजन वाई स्काई अपियर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाई एयर मॉलिक्यूल्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 37, विच द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ मेलानोमा, स्किन कैंसर का कॉज क्या है, तो ओजोन, ओजोन के थ्रू जो डिप्लीशन से रेज आती है, मतलब ओजोन डिप्लीशन इज द रीजन। ओके 39 देखिए, डेमोस्ट्रेट सपोर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी अप्रैल 22। और उसके बाद देखिए एस्टिमेशन ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम क्या शामिल नहीं करते, तो हम नहीं शामिल करते कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल हमारा कहता है ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है ये, कि इज प्रोड्यूस मेनली बाई एब्जॉर्प्शन एंड री इमिशन ऑफ इंफ्रा रेड लाइट बाई एटमोसफेयर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे आपका विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं होता तो टेम्परेचर कितना होता है एवरेज, तो ये होता है 18 to -19 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और अब आप देखिए 43, विंड डायरेक्शन मेजर्ड इन, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही है, डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम ड्यू नॉर्थ एंड द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ओरिजिनेट्स। ओके 44, टारगेट फॉर द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल डज नॉट और इमिशन ऑफ, तो आपको पता होगा ग्रीन हाउस गैसेस के लिए था, तो इसके लिए भी था, इसके लिए भी था, इसके लिए भी था, बट सल्फर डाइऑक्साइड के लिए नहीं था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन ह्यूमन बींग इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन या बायो एक्यूमुलेशन, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज डीप इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी क्या है, तो ये होता है आपका प्रोटेक्टिंग नेचर ऑफ इट्स ओन सेक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 47, द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी टू बी क्रिएटेड विद इट्स बेसिस इन एनवायरमेंटल इशूज वॉज यूनाइटेड तस्मानिया ग्रुप ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, द फेमस सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन, कहाँ पे, ये गोवा में है, बट इनमें से कोई भी लोकेशन गोवा में नहीं है। ओके तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है। 49 देखिए, द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, कब हुआ था ये फर्स्ट टाइम, तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे आर्थ समिट ऑफ रियो डी जनेरियो रिजल्टेड इन, क्या हुआ था आर्थ समिट में, तो ये हुआ कन्वेंशन ऑन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन मल्टीलेटरल ट्रीटी, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज डिजर्टिफिकेशन, क्या होता है डिजर्टिफिकेशन, तो डिजर्टिफिकेशन होता है आपका ये सब कुछ, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू डेजर्ट, कन्वर्जन ऑफ क्रॉप लैंड इनटू डेजर्ट, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52, द सेव द सीड्स मूवमेंट बीज बचाओ आंदोलन सिंस 1982 वाज एम्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ, किस चीज़ की कन्वर्जन के लिए था ये, तो ये था कन्वर्जन के लिए क्रॉप्स के, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 53, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज ए स्ट्रेटजी यूज टू कंट्रोल, क्या कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है ये, तो यूज़ करते हैं करने के लिए होता है ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने के लिए होता है, सॉरी ओके जल्दी जल्दी कुछ भी बोल जा रहे हैं,
54 कहता है रेन इन नवंबर इज मोर एसिडिक देन मानसून रेन ड्यू टू व्हाट रीजन, क्या है इसके पीछे रीजन? तो इसके पीछे रीजन है आपका डिजोल्व CO2. नेक्स्ट इज सॉरी डिजोल्व SO2. ओके देन विच ईयर वॉज डिक्लेयर्ड एज द वाटर ईयर बाय इंडियन गवर्नमेंट? 2007. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56. द इंडियन पार्लियामेंट पास द बायोडाइवर्सिटी बिल, 2002 में पास किया था ये. उसके बाद साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो ये आपका केरला में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58. द लोवेस्ट टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेंड बाई ऑपरेटिंग वाटर इन टू द एयर इज कॉल्ड वेट बल्ब टेम्परेचर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज 59. मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इज वाटर वेपर. द मोस्ट हार्मफुल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज अल्ट्रावायलेट सी. देन नॉर्मली रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक, pH 5.6 होता है अप्रॉक्सीमेटली. CUCN के बारे में पूछा, इज हेडक्वार्टर एट ग्लैंड स्विट्जरलैंड. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट 63. द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम सैचुरेटेड वाटर वेपर इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट 64. सिस्टोमेरीमाटा डिजीज इज कॉज बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मर्करी. देन 1880 द अर्थ एवरेज टेम्परेचर सरफेस सरफेस टेम्परेचर हैज़ रिजन बाई 0.07 या 0.08 डिग्री सेल्सियस एवरी डिकेड. ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन व्हेन डिड द डिजास्टर इन भोपाल इंडिया टेक प्लेस? तो ये था आपका दिसंबर 2003. आई थिंक ये है आपका फर्स्ट, नो इट इज 2 दिसंबर 1984. ओके ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट 67. क्या कहता है यहाँ पे? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, तो कोल तो रिन्यूएबल नहीं हो सकती, पेट्रोलियम भी नहीं हो सकती, प्लांट हो सकते हैं. रिन्यूएबल प्लांट को क्या सीखेंगे हम? दोबारा प्लांट लगाए जा सकते हैं, बस इसलिए ये रिन्यूएबल है. उसके बाद ये 68 कहता है मॉस्किटो रेपेलेंट लाइक कॉइल्स मैट और लोकेट दैट वी जनरली यूज इन आर होम्स आर, क्या होते हैं ये? तो ये होते हैं आपके इंसेक्टिसाइड्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट. विच वन इज नॉन ल्यूमिनस, इनमें से नॉन ल्यूमिनस कौन सा है? तो ये है आपका मून, जिसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती. इंडिया की टाइगर स्टेट है आपकी MP. उसके बाद रेड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. मोस्ट पीपल हैव ऑरेंज स्कूटर्स व्हाइल सम हैव रेड वन. ओके तो यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन से कंक्लूजन बनते हैं आपके. तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस. इसको डिटेल में कर देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो भी रीजनिंग मैथ्स के सवाल हैं उनके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे. ओके नाउ 72 कहता है कि यहाँ पे वो इज शॉर्टेस्ट, तो ये होगा आपका ट्री. और 73 में देखिए यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है पैटर्न वाला अंकल. देन 74 का आपका आंसर आएगा सी 99. देन अच्छा PQ PW QX RY Z and S सिट रैंडमली इन ए सर्किल फेसिंग ईच अदर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इनको स्टेटमेंट कंसीडर करने के बाद इसको आंसर करना. तो देखिए कुछ इस ढंग से बैठेंगे, हम डायग्राम बना के दिखा देते हैं आपको और आपको आंसर भी बता देते हैं. अगर ये होगा P तो यहाँ इसके साथ में होगा S और जी यहाँ पे होगा आपका Z, यहाँ पे होगा S तो आ गया Z के बाद, तो ये यहाँ कोई नहीं होगा. ओके इन दोनों के बीच में. उसके बाद यहाँ बिल्कुल सीधे सामने होगा Y और जी यहाँ बिल्कुल होगा सामने आपका X और उसके बाद ये होगा R. ठीक और उसके बाद यहाँ क्या बचा? W, ये आ गया आपका W और इन दोनों के बीच में Y और Z के बीच में आने वाला है Q. ठीक अब हमसे क्या पूछा है? हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ S. तो S देखिए कहाँ पे, S के लेफ्ट में कौन है? तो ये है आपका Z. ओके ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76. द प्राइस ऑफ एप्पल राइज बाई 40 वाइल ऑरेंजेस का जो है वो 15 रुपये बढ़ता है. तो ये हो गया आपका एप्पल, ऐसे लिख लोगे आप एप्पल, ये हो गया आपके ऑरेंजेस. तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? 2002 से जब स्टार्ट हुआ तो देखिए 420 रुपये क्या था ये. ओके 420 का था ये और ये था 630 का. नेक्स्ट ईयर जो 2003 आया होगा ना, तो यहाँ पे 60 रुपये पड़ गया, यानी कि 460 का हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 645 645. ऐसे ही बढ़ता रहेगा और आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2012. 2012 में इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो 40 रुपीज़ होगा और एप्पल का रेट ज़्यादा हो चुका होगा. देन 77 कहता है यहाँ पे फिर से ये असर्शन रीजनिंग वाला सवाल है. रेट द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज. वेन डायग्राम के सवाल हैं ये. उसके बाद देखिए 78 का SM बिकम 10 ईयर्स में डबल हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का होगा. ऐसा ही की बात हो रही है. फिर 79 कहता है ये थोड़ा सा गलत है. देखिए मल्टीप्लाई इज इक्वल मीन्स प्लस, तो यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ है? डिवीजन मीन्स प्लस.
तो 8 डिवीजन मीन्स माइनस होता तो ये आपका आंसर क्या होता, 7 हाफ 7 होल 2 बाई 5, 7 होल 2 बाई 5 होता, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए आंसर गलत आ रहा है। अब देखिए डायरेक्शन दी हुई यहाँ पे बेस, कुछ क्वेश्चन से हम सीधे आपको आंसर बता देते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बट सवाल फिर भी टाइम कंज्यूमिंग है, तो सीधे आंसर बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। डिटेल में जब वीडियो बनेगा तब आप देख सकते हो क्यों कहाँ कैसे कब हुआ। ओके, तो 80 का आपका आंसर होने वाला है सी, 2032। उसके बाद 81 का आपका आंसर आएगा डी, 86। और 82 की अगर हम बात करें तो ये आपका आंसर होगा बी, 1064। 83 की अगर हम बात करें तो ये होगा आंसर डी, 1044। एंड देन लास्ट 84 का आपका आंसर बनेगा डी, नॉन ऑफ डीज। ओके, फिर ये 85 आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है बी, बिफोर बॉम्बे। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो जो कि बाकी बचे 85 क्वेश्चंस के साथ होगा वो आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।